जानिए टीआरपी के बिग बॉस के बारे में। डू यू नो अबाउट द बिग बॉस ऑफ टीआरपी? क्या क्या क्या, अरे माफ करिएगा, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे टीवी सीरियल्स की, जहाँ आपको ऐसे एक्शंस वाले डायलॉग्स सुनने को मिलेंगे। डेली सोप्स की जब बात करते हैं तो सबके मुंह में सिर्फ एक ही नाम आकर रुक सा जाता है, जिन्होंने टीवी सीरियल्स को एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। टीवी सीरियल्स की कहानियों को और ज़्यादा मसालेदार, थ्रिलिंग, चटपटा, मनोरंजक और सस्पेंस से भरा बनाया है, और वो कोई और नहीं डेली सोप्स की क्वीन एकता कपूर है। एकता कपूर को टेलीविजन की क्वीन का किताब देना गलत नहीं होगा। जब से एकता कपूर ने टेलीविजन में एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कदम रखा है, तब से टीवी सीरियल्स का सिनेरियो ही बदल सा गया है। एकता कपूर ने कई जबरदस्त शोज लोगों के लिए लॉन्च किए, जो एक के बाद एक हिट होते चले गए। लोग एकता कपूर के शोज को टीआरपी का बॉस कहने लगे। परिचय सीरियल से शुरू हुई ये दास्ता कहानी घर घर की, प्यार की ये कहानी, बड़े अच्छे लगते हैं, कसम, नागिन जैसे शोज तक आगे बढ़ती रही। लोगों के बीच हमेशा से ये जिज्ञासा रही कि अब एकता कपूर लोगों के बीच छोटे पर्दे पर कौन सा नया सीरियल लेकर आएंगी। हाल ही में सूत्रों से पता चला है कि नागिन के दोनों एपिसोड्स हिट कराने के बाद एकता कपूर की टीम सीरियल्स नागिन के दूसरे एपिसोड को बनाने जा रही है। खबर आ रही है कि कहानी की लीड रोल प्ले कर रही मोनी कपूर से लेकर शो की सारी स्टार कास्ट चेंज होगी। इसके लिए कई जगह ऑडिशन भी शुरू हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नागिन के तीसरे एपिसोड में कहानी में ऐसा क्या होगा जो लोगों को अपनी तरफ खींचे रखे। टॉप न्यूज से वर्षा राय की रिपोर्ट।